यात्राओं में आंदोलन में शामिल होंगे, उनको लिखने का अधिकार होगा। किसान क्रांति होदान हाँ तो उसका किसान क्रांति होदान आईडीपी छे कर लो अन्य टीवी आईडीपी छे कर लो जिस तरह से यहाँ दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन चल रहा है, इसी तरह से आप तेलंगाना में भी एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे? यस, हम लोग 15 दिन से वही काम पे लगा हुआ है। 10 दिन मैं पदयात्रा किया, 150 किलोमीटर पदयात्रा की है। परसों एक बड़ा मोर्चा भी हम लोग ये किए, उसके बाद हम लोग इसको आगे बढ़ाने के लिए राकेश तिकाई जी को हम तेलंगाना ले जाने के लिए इधर आए। राकेश सिंह, राकेश तिकाई जी से हम मिले, उनसे टाइम लिए। हम तेलंगाना में, तेलंगाना के तरफ से भी हम पूरा हिंदुस्तान में जो किसान लड़ रहा है उनको समर्थन देने के लिए इतना दूर आए। पूरा हिंदुस्तान के किसान आंदोलन में है, मगर कई जगह में आगे जा रहा है, कई जगह में नहीं जा रहा होगा, मगर हर किसान आंदोलन में है, समर्थन दे रहा है। तो इसीलिए केंद्र सरकार ने जज्बात में जाने का कोई ज़रूरी नहीं है, जो शासन लाना है, लागू करना है, जो पहले किसान को उसमें क्या है, उससे क्या उन लोगों को फ़ायदा मिलेगा, पहले उनको समझाने के लिए कोशिश करना है। इसीलिए जो शासन लाए, हम लोग पार्लियामेंट में एतराज़ किए, हम लोग आंदोलन किए पार्लियामेंट में, सेंट्रल हॉल में, जो वहाँ पर हम पोडियम में गया, बहुत कुछ आंदोलन किए, मगर मार्शल्स को लगा के हम लोगों को निकाल के बाहर फेंक दिए। जब पार्लियामेंट में जब चर्चा नहीं चल रहे है, जब पार्लियामेंट में हम अपोजिशन पार्टीज को कोई मौका नहीं दिया, तो हम लोग इसीलिए गाँव फिर रहे। मतलब ये किसानों का समर्थन लेकर मोदी जी को और अमित शाह जी को ये समझ में आना है कि तो सर तेलंगाना में आपने गांव-गांव जाकर पदयात्रा की और लोगों को कृषि कानूनों के नुकसान के बारे में जागरूक किया। यस, हम लोग वही काम किए, उसको आगे ले जाने के लिए हम राकेश तिकैत को वहां पर तेलंगाना ले जाने। राकेश तिकैत साहब से बातचीत हुई, क्या उन्होंने सहमति जताई तेलंगाना जाने? सहमति जताया है। मार्च फर्स्ट के बाद हमारा प्रोग्राम बनेगा, जरूर हम लोग अच्छा मोर्चा वहाँ पर निकालेगा। जो अगला सेशन पार्लियामेंट बजट सेशन जो मार्च 8 तारीख के बाद फिर दोबारा शुरू होने वाले, उसमें भी हम लोग ये आंदोलन आगे लेके जाएंगे। क्या कारण लगता है कि कई दौर की वार्ताएं भी हुई लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया और एकदम से अब वार्ताओं का दौर जो है वो पूरी तरह से रुक चुका है, सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आ रहा है किसानों के पास बातचीत के लिए? अभी दो नेता, दो बिजनेसमैन को वादा दिए, जो गुजरात से 4 लोग निकले, अदानी, अंबानी, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी, 4 मिलकर ये शासन लागू करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये हर किस हिंदुस्तान राजी नहीं होगा ये शासन के ऊपर, इसीलिए दोस्त को वादा दिया बोल के ये लोग वो वापस लेने के लिए एतराज कर रहे हैं। दोस्त को समर्थन देने में केंद्र सरकार ने लगा हुआ है, किसान के समर्थन नहीं कर रहा है, वो सरासर गलत है। इसीलिए हम लोग जो शासन है उनके एतराज कर रहे हैं, केंद्र सरकार ने वापस ले लेना ही पड़ेगा। केंद्र सरकार का कहना यह है कि जो भी संशोधन है, जो भी कमियां हैं, उनको हम सुधारने को तैयार हैं, लेकिन हम बिलों को वापस नहीं लेंगे। वो जज्बात ही क्यों? मैं इतना ही पूछना चाह रहा हूँ मोदी जी से, अगर आप समर्थन देने के लिए किसान को कोई अच्छा फायदा करने के लिए, उनका इनकम डबल करने के लिए आप जब कोशिश कर रहे हैं, उनका किसान का समर्थन नहीं मिले, तो आप क्यों जज्बात में जा रहे हैं? आपको कोई लेना देना नहीं है ना इससे आपको कोई फायदा होने वाले नहीं है। जो किसान को फायदा होने वाले, किसान खुद एतराज कर रहा है, पहले ये शासन वापस ले लो। जो नया शासन बनाने है, वो नया शासन मॉडल डॉक्यूमेंट बनवा के हर गांव को भेजाओ, ग्राम सभा चलाओ, ग्राम सभा में अधिकारी आकर उसमें ग्राम सभा में जो पॉलिसी है, पॉलिसी सबको, किसानों को सुनाओ, किसानों का सजेशन लो। सजेशन लेने के बाद ये शासन बनाए तो ठीक लगेगा। अब आप तैयारी कर रहे हैं कि तेलंगाना में भी एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और उसकी अगुवाई कहीं ना कहीं राकेश टिकैत करेंगे? यस यस, चल चल, वहाँ पर हम लोग किएगा, चौधरी राकेश टिकैत जी ने वहाँ पर आएगा।
हम लोग यहाँ पर आंदोलन आगे लेके जाए। तो आप देख सकते हैं दिल्ली के